आज हम बोर्ड गए थे, मैं कल भी बोर्ड जाके आया था, बात करके आया था। आज हम फिर बोर्ड इसलिए गए थे कि हमने कहा था कि साहब आप खुद एक बार अगर इसकी सुनवाई में जाएं, क्योंकि अभ्यर्थी जो बार बार जो डिमांड थी वो थी कि बोर्ड की तरफ से पैरवी मजबूत पैरवी नहीं हो पा रही है। बार बार ये कह रहे थे कि जो वकील है बोर्ड की तरफ से वो अच्छे से पैरवी नहीं कर रहा था। तो हम इसलिए अध्यक्ष साहब से आज मिलने में दोबारा गया था कि आप अगर आपके पास टाइम समय हो तो आप कुछ समय निकाल कल की सुनवाई में आप खुद खड़े हो। अगर आप खुद कल की सुनवाई में खुद रहोगे तो लगेगा कि हाँ कि आपको खुद को पता लगेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन कल अध्यक्ष साहब खुद है नहीं जयपुर में, जयपुर से बाहर हैं, इसलिए वो कल नहीं जा पाएंगे। इन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वो कल फिर बात पता लगा कि वो जयपुर है भी नहीं। साथ में क्या है कि डबल एजी साहब खुद की तबीयत ख़राब है तो वो जोधपुर है, वो भी इसलिए कल नहीं जा पाएंगे। लेकिन उन्होंने जो बोर्ड के वकील हैं नीलन जी, उनको फ़ोन करके बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आप इसकी कल जो सुनवाई है आप इसकी डेट आगे मत बढ़वाएं और आप कंटिन्यू की कल सुनवाई करें और मजबूती से पैर भी करें। जो भी तथ्य आपको बोर्ड की तरफ से चाहिए आप हैंड टू हैंड तथ्य लें और उसके बाद में इनकी जो कल की जो सुनवाई है आप इनको, क्योंकि ये जो अपडेट है कल भी है, 29 भी है, 1 भी है, 2 भी है, इस बार पूरी संभावना लग रही है कि इस बार जो सुनवाई होगी उसमें हट जाएगा, क्योंकि लगातार डेट है और बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि जो जो आपको तथ्य चाहिए बोर्ड की तरफ से आप तथ्य लो, लेकिन आप इसकी मजबूती से पैरवी कराओ। हाँ, वही चीज़ें आचार संहिता लगने वाली, कई भर्तियाँ हैं जैसे आचार संहिता के लिए बने, यही कहा था कि साहब आचार संहिता, इसीलिए क्या था कि पहले ये था कि भाई डबल ए साहब नहीं है तो उनकी क्या नाम है डेट लेने की बात थी कि अगर डबल एजी साहब नहीं तो डेट मिले आगे। लेकिन फिर अध्यक्ष साहब ने खुद ने कहा कि नहीं, नलिन जी को फ़ोन करिए, खुद ने कहा कि आप डेट मत लो क्योंकि आचार संहिता लगने में बहुत कम समय बचा है, आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता में फ्री मामला अटक जाएगा, इसलिए आप डेट मत लो, आप तो सुनवाई करो, आप तो कंटिन्यू सुनवाई करो, कल भी करो परसों भी करो, दो दिन है आप कल सुनवाई करो, आपको जो तथ्य बोर्ड से चाहिए इसलिए कंटिन्यू सुनवाई होगी और पूरी आशा है इस बार ये हट जाएगी, क्योंकि बहुत सी बातें हट रही है। जैसे L2 के लिए भी यही कहा उन्होंने कि आचार संहिता से पहले हम पूरे कंप्लीट रिजल्ट जारी कर देंगे, पसंद साहब उसके लिए पूरा रिजल्ट जारी, तो आचार संहिता से पहले बोर्ड अपनी पूरी तैयारी कर रहा है कि आचार संहिता पहले जो जो चीज़ें उन बोर्ड निकाल सकता है, जो जो रिजल्ट निकाल सकता है, वो संपूर्ण रिजल्ट बोर्ड आचार संहिता से पहले निकालने का पूरा प्रयास कर रहा है, निकालेगा भी।